दोस्तों हमारे कबूतर भी सारे भीग चुके हैं यार, आज इतनी ज्यादा माशाल्लाह बारिश हुई है, इतनी ज्यादा बारिश हुई है। ये देखे सारे पिकाचु गैंग हमारा सारा अच्छी तरह से आज इन्होंने नहाया यार, लेकिन हमारा नुकसान भी हो गया। वो नुकसान ये हुआ कि यार हमारा सारा केज अंदर से गीला हो गया, क्योंकि यार यहाँ से ना इधर वाली साइड पे बारिश आ रही थी, इसी वजह से हमारा सारा केज अंदर से गीला हो गया। और यार ये भी उतर गया बेचारा, यहाँ पे हमने लगाया हुआ था इसे। सनी मैं कह रहा हूँ यार इसे उतार दें सारे को। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार सीन कुछ ऐसे कि आज हमने, सनी भाई क्या करना है, खरगोशों के नाम रखने हैं। तो दोस्तों आज हमने अपने खरगोशों के नाम रखने हैं। तो यार पहले मैंने यानी कि पोस्ट लगाई थी कि हम क्या नाम रखें, तो किसी ने बताया नहीं। तो भाई सनी भाई आज बताएंगे हमने क्या नाम रखना है, बताओ। चांद और सितारा। तो दोस्तों चांद और सितारा इनके नाम डिसाइड हुए हैं, तो हमने इनके नाम चांद और सितारा रख दिए। ये देखे माशाल्लाह कितने आराम से बैठे हुए हैं। सनी भाई इन्हें बाहर निकाल लो दोस्तों, क्योंकि मौसम काफी ज्यादा अच्छा हो गया था बारिश के बाद, तो हमने इन्हें बाहर निकाल के छोटे वाले केज के अंदर डाल लिया था, ताकि यार ये थोड़ा बहुत इंजॉय करें, क्योंकि यार मौसम बहुत ज्यादा प्यारा है। सनी भाई इन्हें छोड़ दो यहाँ पे माशाल्लाह। तो दोस्तों इतने प्यारे खरगोश हैं यार, अभी छोटे हैं, तो जैसे ये बड़े होंगे ना तब हम इनके लिए इंशाल्लाह मिट्टी का इंतजाम भी करेंगे और इनका घर बनाएंगे। सनी भाई इनके लिए चारा तो लेके आओ यार, वो सामने दरख्त है ना वहां से ले आओ। दोस्तों सनी रैबिट्स के लिए पत्ते लेके आया था, तो वो देखें वो पत्ते खा रहे हैं माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हैं। और यार हमारे कबूतर ये देखें, इन्हें सर्दी लगी हुई है, इसी वजह से ये अपने केज के अंदर जाने के लिए उतावले हुए हैं, क्योंकि इन्हें खोला हुआ था, इसी वजह से भीग गए थे और इन्हें अब सर्दी लग रही है, इसी वजह से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ सनी भाई इन्हें पहले ना पकड़ के इस वाले केज के अंदर डाल दो, उसके बाद हम यानी कि ना बाद में इन्हें अंदर कर देंगे, क्या ख्याल है? पकड़ के ना इन्हें ये वाले केज के अंदर डाल दो। असद आप भी आओ, एक कबूतर पकड़ के ना अंदर डालो, हाँ इसे इसके अंदर डाल दो, इसके अंदर, ठीक है हाँ सारे ले आओ कबूतर। तो दोस्तों अभी हम इन्हें इस वाले केज के अंदर डाल रहे हैं, उसके बाद हम इन्हें मास्टर केज के अंदर रखेंगे। ये देखो तीन आ गए, एक रह गया, इसे पकड़ो यार, ये बड़ी मुश्किल से पकड़ा जाता है, वो देखो पकड़ लो। असद ने पकड़ लिया, असद इसके अंदर डाल दो इन तीन कबूतरों के साथ। दोस्तों हमारे मास्टर केज के अंदर भी यार इतना ज्यादा पानी आ गया है, ये देखें सारा अंदर से गीला हो गया, और यार यहाँ से हमारा बॉर्डर भी उतर गया मास्टर केज का। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे सारा उतार दें। सनी भाई इसे खींच के सारा उतार दो, उतार दो, उतार दो, खींच लो, तोड़ दो इसे, तोड़ दे। ये देखें दोस्तों इसे टूट ही नहीं रहा, नीचे से भी सारा उतार दो, खींच ले। दोस्तों केज का हमने सारा बॉर्डर उतार दिया है, और यार रात होने वाली है, इसी वजह से हमने ना वहाँ पे बल्ब चला दिया। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू आ गया है, यहाँ से बॉर्डर उतरा है ना तो अंदर अच्छे से रोशनी जा रही है, और यार हमारे सारे परिंदे अच्छे से नजर आ रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे सारे बर्ड्स। दोस्तों हमारा मास्टर केज यार अंदर से सारा भीग चुका है, ये देखें कितना ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया, क्योंकि इस वाली साइड पे बारिश आती रही है, तो इसी वजह से सारा पानी अंदर की तरफ इकट्ठा हो गया। और यार यहाँ पे दाना हमने रखा हुआ था वो भी सारा भीग चुका है, तो ये तो जाया हो चुका है, ये यहाँ सुबह फिशे करके ना फिर इन्हें दोबारा खिलाएंगे। और यार अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बर्ड किसी बर्ड को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि यार बारिश इतनी ज्यादा थी कि मुझे लगता था कि ये वाले केजेस जो है ना ये भीग जाएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि भाई ये यानी कि पानी से बच गए हैं। और भाई एक और चीज़ हमारे साथ ये गुड न्यूज़ हुई है कि भाई हमारा रोजी कोली का जो पेयर है जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ था ना इस केज के अंदर, इसकी फीमेल भी अंदर जाना शुरू हो गई है, और इसका मेल जो है वो भी अंदर जाना शुरू हो गया ब्रीडिंग बॉक्स के। तो उम्मीद है कि यार ये जल्दी जल्दी से अंडे बच्चे निकालेंगे। ये कहाँ पे आया हुआ है, ये देखें दोस्तों, ये इसे उठा लेते हैं, ये ओह माशाल्लाह। दोस्तों ये इतना सारा पानी है यार, ये इस टाइम साफ नहीं होने वाला, तो ये सुबह इंशाल्लाह साफ होगा, क्योंकि सुबह जब धूप लगेगी ना तो ये पानी खुद ही खुशक हो जाएगा, तब हम इंशाल्लाह झाड़ू लगा देंगे यहाँ पे अच्छे से सारा, यानी कि दाना जो होगा ना उसे इकट्ठा करके इसे सुखा लेंगे, उसके बाद इन्हें दोबारा खिला देंगे। ये देखें यहाँ पे मेरे ख्याल से ये वाली फीमेल थोड़ी सी ना गीली हुई है, उसके अलावा कोई भी बर्ड हमारा यानी कि गीला नहीं हुआ। तो भाई बाहर चलते हैं और जाके बाकी परिंदों को बंद कर देते हैं, क्योंकि यार इन्हें सर्दी लग सकती है, मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है क्योंकि यार बारिश हुई है, इसी वजह से जल्दी से अपने बर्ड्स बंद करने वाले हैं हम, उसके बाद इंशाल्लाह व्लॉग का एंड करेंगे। दोस्तों हमारे पिजन्स केज के अंदर आ चुके हैं, अब बारी है हमारे तारा और सितारा की, यानी कि जो हमारे
नए वाले खरगोश हैं, एक को सनी भाई ने पकड़ा हुआ है। सनी माशाल्लाह इसे प्यार कर रहा है। सनी भाई मुझे भी प्यार करने का। ये देखो यार इसके कान कैसे हैं, ये देखें। सनी इसे केज के अंदर छोड़ दो। हाँ ले जाओ ले जाओ, उधर पानी है ना, वो सामने जो नीचे केज है ना खाली, उसके अंदर छोड़ना है इसे। असद आप पकड़ लो दूसरे वाला, पकड़ लो पकड़ लो, छोड़ना देना यार वैसे ही, पानी है नीचे तो इसी वजह से दोस्तों अंदर, क्योंकि पानी है इसी वजह से। मैं ना कह रहा हूँ कि यार इनको यानी कि तारा से तारा को ये नीचे वाले केज के अंदर छोड़ा जाए, क्योंकि यार ये वाला खाली है। कबूतरों के लिए तो जगह है, वो साइड पे हो जाएंगे, लेकिन खरगोशों के लिए भाई हमें केज यूज़ करना पड़ेगा। तो सनी केज के अंदर इन्हें डाल रहा है। और यार हमारी पिकाचू गैंग पहले से ही अंदर चले गए हुए हैं, वो देखे, क्योंकि रात होने वाली है तो यार इस टाइम ये खुद ही अंदर चली जाती हैं। अब सिर्फ इनका दरवाज़ा बंद करना है, तो उसके बाद यानी कि इनकी रात हो जानी है, इन्होंने भाई सो जाना है। तो भाई इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को भी बताओ सब्सक्राइब कर दें जी। अस्सलाम वालेकुम।